बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों का गुस्सा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तेंदवारी पुलिस द्वारा बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों से अभद्रता करने से नाराज सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज एसपी कार्यालय का घेराव की थी। शाम बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने तेंदवारी थानाध्यक्ष और दो कांस्टेबल के ऊपर मारपीट का आरोप लगाया था, जिससे नाराज सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीती रात एसपी आवास के सामने बैठकर की थी नारेबाजी और घंटों बवाल काटा था। पुलिस के समझाने के बाद कल देर रात कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन बंद कर दिया था। पुलिस ने कार्यवाही का आश्वासन दिया था। मामले में कार्यकर्ता जानकारी करने के लिए तेंदवारी थानाध्यक्ष राधा कृष्ण तिवारी के पास गए थे। पूछने पर थानाध्यक्ष आग बबूला हो गए और अभद्रता कर मारपीट करते हुए मोबाइल छीनकर स्विच ऑफ कर दिया। तेंदवारी पुलिस पर कोई कार्यवाही न होने से नाराज सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने एसपी कार्यालय में घुसकर नारेबाजी करते हुए लापरवाही का आरोप लगाया है। किस बात को लेकर गया? देखिए, 22 तारीख को एक बच्ची जो थी उसका एक केस था, उस संबंध में 23 तारीख को कुछ कार्यकर्ता थाने पे गए थे, जहाँ पे थाना पुलिस के साथ और एवं कार्यकर्ताओं के साथ आपस में कोई बातचीत हो गई थी, जिनके द्वारा जो बताया गया कि इनके साथ मारपीट की गई है और जो थाना पुलिस है उनके द्वारा बताया गया कि उनके ऊपर गलत टिप्पणी की गई है। और इन सभी चीज़ की जो जांच है वो सीओ सदर हमारे ऑलरेडी कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज अनुसार उसमें जो भी सच्चाई सामने आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए जो जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है जो पुलिसकर्मी हैं उनको पुलिस लाइन में पोस्टिंग की लाइन हाजिर किया जा रहा है और जो भी इनके द्वारा कार्रवाई की मेडिकल दिया जा रहा है, जिस व्यक्ति को चोट आई है उसके मेडिकल उपरांत जो उसमें विधिक कार्रवाई बनती है विधिक कार्रवाई की जाएगी। वो व्यक्ति अभी एडमिटेड है तो उनके द्वारा जो अपना मेडिकल दिया जाएगा और एवं जो पुलिस की सीसीटीवी फुटेज है उसको देखते हुए उसमें जो विधिक कार्रवाई है एफआईआर वाली वो की जाएगी। किनको किनको लाइन हाजिर किया गया है? देखिए, थाना अध्यक्ष हैं और दो सिपाही उन्होंने बताए हैं कि आज इनके द्वारा इनके साथ मतलब की मारपीट की गई है और इनके द्वारा इनको गलत टिप्पणी की गई है, उनको अभी लाइन हाजिर किया जा रहा है और जो बाकी फुटेज और जो मेडिकल्स हैं सभी के उसका अवलोकन करने के उपरांत जो विधिक कार्रवाई है वो विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या एफआईआर दर्ज करने की भी कार्रवाई की जाएगी? जो फुटेज के अनुसार आएगा और जो मेडिकल के अनुसार आएगा, ठीक है, उसके अनुसार ही विधिक कार्रवाई हमें लाई जाएगी। थैंक यू सर। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।